हेलो गाइस, कैसे हो आप। बहुत दिन बाद एक नई वीडियो आई है जिसमें हम आते और स्पार्क की मोटर जाम हो चुकी है, उसके बैरिंग उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए बैरिंग इसके पहले चेक करेंगे इसके खोल कर। और तो वीडियो कटिंग में होगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ से 8 नंबर की चाबी से इसको खोलेंगे। देखिए जाम हो ही पड़ी है ये बिल्कुल। अब इसके बाद इसका फैन खोलेंगे। काफी दिनों बाद ये वीडियो इसलिए लानी पड़ी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि इस वीडियो बनाई जाए, आज टाइम मिला है तो वीडियो बनानी शुरू कर दी हमने। जाम है ये, ये देखिए निकलेगी इसकी, सब कुछ बहुत हार्ड तरीके से निकलेगा। इसका पंखा भी हावी होकर निकलेगा क्योंकि जाम कई सारी रखी हुई है, कंकड़ी भी टूट गई, सुधर सूखी पड़ी है सारी चीज़ें। कोई नहीं, नई पंकड़ी तो हम ला के भी डाल देंगे क्योंकि सूखी हुई का कुछ नहीं पता, मोटर चलते टैंक टूट जाए और फिर नुकसान कितना हो मोटर में। ये इसकी पंकड़ी निकल गई देखिए, और ये टूट गई है। कोई नहीं, सूखी भी हुई है और जल भी गई है, ये हीट होगी होगी इसलिए सामान पे कर सकते हैं। अब इसके ये 10 नंबर के नट नट बोल्ट लगे हुए इसके अंदर, ये खोलने पड़ेंगे जिससे कि ये बाहर आ जाएगा। ऐसे करते करते 1 2 3 4 आए, ये चारों बाहर आ जाएंगे। ये चारों 10 नंबर के निकाल लेंगे। देखिएगा ये सब खोल दिए हैं, सारे खुल गए हैं। तो इसको निकाल क्योंकि जाम हुई हुई है, निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है इसको। अच्छी तरह जाम हो गई है, डालेंगे इसको। अंदर से जाम हो रखी है, भले ये बिल्कुल नहीं घूम रहा, बैरिंग तो इसका सही घूम रहा है पर ये अंदर से जाम है, यानी कि यहाँ से जाम हो गई। ये यहाँ तक गई हुई है रोड और ये यहाँ तक होगी, ये अंदर से जाम हो रखी है तो इसलिए पूरी घूमनी पड़ेगी। तो इसको खोलते हैं पूरी, इसके तार हटाते हैं। देखिए गाइस, ये जो तार है इसके अंदर तो इस मोटर चलाने के लिए, ये इस वाली डिब्बी में लगे हुए, इस डिब्बी को खोल के देखते हैं इसमें तार कहाँ से दिक्कत हुई, हटाना तो पड़ेगा इसको, अभी काम होगा। ये रे दो तार इसके दोनों ब्लू हैं, इनको हटाएंगे यहाँ से, ये दो अलग हैं और ये
ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, कोई प्लस माइनस का कोई नहीं है। चलो इसको खोलते हैं। इसे पीछे से खोल, लास्ट से खोल देते हैं इसको। ये ऐसे खोल के गाइस जो तार जहाँ से खोलने हैं उसको वहीं लगाएं तो ठीक, नहीं तो मोटर में ज़्यादा खर्चा आ सकता है अगर फूटी तो। फिलहाल हमें लग रहा है कि बैरिंग ही जाम है इसकी, तो इसकी फिलहाल बैरिंग ही चेक करेंगे पहले, और इसकी वॉशर वगैरह सब कुछ बड़े ध्यान से इसी में ही फिट कर देते हैं, क्योंकि हमें इनकी खोलने की और खास जरूरत है ना। तार निकल जाएंगे हमारे और ये बाहर में आ जाएंगे, ऐसे करके इनको खोल लें। निकल गया इसमें से, और अब इसका आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। रेस बैरिंग की बात, अभी पुरानी मोटर है ये नहीं, ऐसी भारी मोटर आजकल किसी मिलती नहीं है। देखिए गाइस ये बैरिंग निकालने का टूल बनाया था, डब्बे बनाया हुआ है ये वेल्डिंग की सहायता से, और इससे ये वाला बैरिंग निकालने में काम आएगा ये। इसको ऐसे करके टाइट करते हैं बिल्कुल, और ये बैरिंग को अपने आप खींच लाएगा, इसको टाइट करेंगे। इसको ऐसे घुमाते रहेंगे, ये बैरिंग बाहर की तरफ खींच के आ जाएगा। देखिए इसको ऐसे पकड़कर ऐसे घुमाते चले जाएं और ये बैरिंग आपका बाहर आता चला जाएगा। लो गाइस बाहर आ गया है ये, ये घर का टूल बनाया हुआ काम आ गया। ये मार्केट में इस बैरिंग को निकालने के लिए मार्केट में 240 रुपीज़ का टूल है, ये मैंने घर में ही बनाया है, और ये आज पहली बार यूज़ किया गया आपके सामने, और ये कामयाब हो गया। तो चलिए आगे क्या प्रोसेस करते हैं इसे खोलने का। गाइस इसके जितने भी तार हैं इन सबको हटाना पड़ेगा इनमें से, क्योंकि इसके बिना रुकावट पैदा हो रही है इसको खोलने में भी, इनको हटाते हैं। आज इसको डिसेंबल करेंगे और ये सारे स्पेयर पार्ट लाकर फिर इसको असेंबल करेंगे। अभी डिसेंबल की डालेंगे सिर्फ, कैसे इसको एक एक चीज़ कैसे खोली जाएगी, फिर उसके बाद इसको असेंबल करेंगे रंग पेंट कर, यानी इसको बिल्कुल नहीं बना देंगे। ये वाला तार जो है हमारे मेन लाइट में लगता है, ये नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसमें इसको निकालेंगे, सब फंसा पड़ा है, सब जाम हो गया इसका। ये जो येलो वाला है ये भी नीचे लगा हुआ है जो कि मेन लाइट में लगता है, इसको हटा देते हैं तो बस ठीक करेंगे। और ये दोनों तार अंदर से आ रखे हैं मोटर में से, मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें से ये नीचे लगे हुए हैं दोनों। देखिए गाइस सारे तार हमने इसके निकाल दिए हैं कि कैपेसिटर इनके, और ये अंदर से आई हुई है वायरिंग दी एक रेड और दो और बाइंडिंग वाली, और ये इतने वॉशर और ये देखिए इतने वॉशर और नट इकट्ठे हो गए हैं, इनको हम एक डब्बे में डाल के रखेंगे ताकि हम इसको बाद में भी आराम से मिल जाए। उसको बोल क्या बताओ आपने, बजाने हैं वो भी रोला मचा रही।
जाएंगे अगर जाम नहीं हुआ तो। और दोनों के एक्स्ट्रा पी गए हैं यहाँ पर, और ये इसमें डाल देते हैं। और अब खोलेंगे इसको यहाँ से, 1, 2, 3 और 4, चार इसमें बोल्ट लगे हुए हैं। इसको खोलेंगे तो ये हिस्सा बाहर की तरफ निकल जाएगा और हमारी मोटर पूरी डिसेंबल हो जाएगी। फिर देखते हैं कहाँ जाम होगा। ओके दस नंबर से खुलेगा ये। ऐसे करके एक एक करके ये चारों खोल दें। 10 नंबर की इसमें बोल्ट लगे हुए हैं ये। देखिए खुल गया है। ऐसे करके एक इधर है नीचे और दो इस साइड है उसी तरफ। फिर इनको खोलते हैं एक एक करके। हेलो गाइस, इसको खोलते हैं। ये जो इनमें पाइप लगे हुए हैं पहले से ही, तो ये 15 नंबर के इसमें बोल्ट लगे हुए हैं ये चार। इनको खोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत कर रहे हैं, बाद में खोलना भारी हो जाएंगे क्योंकि ये इधर से निकल जाएगा तो फिर ये पकड़नी पड़ेगी। तो खुलेंगे, अभी तो बंदी हुई है तो ये खुल जाएगी। जो चीज़ आराम से खुल जाए उसको पहले खोलें, परेशान ना हो। और ये ऐसे करके खोल लें क्योंकि बस तो सभी बस सबकी बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि पानी का जरूर किया जाएगा तब मोटर साफ होगी। ऐसे करके सारी खुल जाएगी आराम से। नट आ गया इसका नीचे से निकल कर और ये बोल्ट आ गया ऐसे करके। और इनको इसमें ही डाल दें क्योंकि बाद में खुल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कि किसमें क्या लगा हुआ था। और ये इसमें डाल दें वापस ऐसे करके। ये चार खोल लें, निकाल दिया है सब, ये दोनों खत्म हो गए। अब हमारी ये बीच में नहीं अड़ेंगे और मोटर बिल्कुल सही होगी। अब इसको आराम से हम ये चार जो आपको थोड़ी देर पहले लिखते हैं उनको खोल सकते हैं। 10 नंबर की चाबी ये देखिए गाइस, ये 13 नंबर के इसमें बोल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पे थर्मोस्टेट होगा, इसको भी खोल के देखना पड़ेगा, शायद थर्मोस्टेट ही हो सकता है। आजकल यही थर्मोस्टेट आता है सर, मैंने एक बार इसमें पता नहीं क्योंकि ये बहुत पुरानी है। ये मेरे नाना जी की दी ओड है ये, और ये बहुत पुरानी है। इसमें देखते हैं क्या निकलता है। जैसे करके 1, 2, 3, 4, 5 इन पाँचों को खोलें और इसको टोक के बाहर निकाल देंगे। इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। इसमें जंग लगा हुआ सब सारी, क्योंकि ये कम से कम 6-7 साल से ऐसी पड़ी हुई थी। देखिए गाइस, ये निकल गया है बदबू आ रही है। इसको कर देते हैं साइड में, ये रोटेशन नहीं हो रही क्योंकि ये जाम है, इसलिए ये रोटेट नहीं हो रही है। अभी इसको खोलना पड़ेगा, खोलेंगे इसको यहाँ से खोल लेंगे गाइस। चारों खोल दिए हैं, 10 नंबर के निकल गया। बिल्कुल ठीक है, न्यू है, कोई जली हुई नहीं है। और अब इसको कर देते हैं साइड, इसकी आवाज होती है। इसका वायरिंग लगा ये आर्मेचर है इसका, करंट का नंबर है। इसको ये वायरिंग जो दिख रहा है इसके अंदर, ये जो अंदर वायरिंग है इसका, इसको खोलेंगे। गाइस ये वाला जो नट है, ये जो इसको खोलने में दिक्कत आएगी, हमने इसको चोट मार मार के खोला है हथौड़ी से और इस रोड से। इसको यहाँ मेचर है, ये आर्मेचर है इसका, इसको पकड़ लें यहाँ से एक जने के साथ और इसको यहाँ लगाएं और ऐसे करके चोट मारें तो ये खुल जाएगी। 2-3 चोट मार दें फिर ये खुल जाएगा आराम से। ये इसका नट खुलेंगे और इसको निकालेंगे बाहर ऐसे ठोक के।
देखो गाइस ये निकल गया, इतनी गंदी हो गई कि अंदर से पानी से नहीं स्टोर था और ये सारा निकल गया आराम से। ये लगी हुई थी मटो को कहीं निकाल ली गई है, ये देखिए कैसे फिट होगी। चलिए इसको रख के साइड में, इनको धोएंगे बाद में। निकाल लो अभी आर्मेचर है इसका, इस आर्मेचर को निकालने के लिए आर्मेचर को निकालेंगे इसका। देखिए इसमें गंदगी कितनी है, ये देखिए बाद में देखेंगे तो धोएंगे। 2.5 मिनट निकलने के बाद ये आएगा, वो नट बहुत मेहनत से निकला, इसे मैं आपको दिखाने पा रहा हूँ उसको। इसमें एक रिंग थी, रिंग निकालने के बाद ही निकली वो, और उसके बाद ये स्प्रिंग निकलेगी, ये सील है। उसके बाद इसको निकालें, उसके बाद निकालें सील की, प्लास्टिक की है सील, तो गलत नहीं है, खराब नहीं है, ठीक है। इसको टूटा कर और इसको मारेंगे, और ये आर्मेचर मारा गया, बैरिंग के साथ ही मारा गया, और ये थोड़ा फंसा हुआ इसमें फंसते हैं बैरिंग का। साइड में अब हमारी मोटर पूरी डिसेंबल हो चुकी है, सीधे साइड कर देते हैं। और आज के लिए सिर्फ वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसका स्टार्ट है इसका। आगे की वीडियो हम बनाएंगे, पहले इसको हम मेंटेनेंस कर लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको असेंबल करेंगे सारे नए पार्ट्स लाकर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, ओके बाय, सायनारा।